मैं डॉक्टर राकेश रयाल जी को ही आमंत्रित करता हूं कि वे संगोष्ठी की रूपरेखा और प्रस्तावना हमारे समक्ष रखें। डॉक्टर राकेश रयाल जी। हिंदी पत्रकारिता का जो उद्देश्य था, इस उद्देश्य को लेकर और जो आज भारत की जो स्थिति है और जो भारत की एक सोच है विकास की ओर जाने के लिए, उसको लेकर हिंदी पत्रकारिता का क्या रोल हो सकता है, क्या भूमिका हो सकती है, हिंदी पत्रकारिता की जो शुरुआत हुई थी किन उद्देश्यों को लेकर हुई थी, वर्तमान में हिंदी पत्रकारिता की क्या स्थिति है, और हिंदी पत्रकारिता को न्यू मीडिया से जोड़ते हुए, डिजिटल मीडिया को जोड़ते हुए कैसे इसको जो है उपयोगी बनाया जाए, कैसे इसमें जो पत्रकारिता के क्षेत्र में हमारे जो छात्र जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कैसे वो हिंदी को प्राथमिकता देते हुए डिजिटल मीडिया में इसको जोड़ते हुए आगे कैसे इसको उपयोगी बना सकते हैं, कैसे वो रोज़गार इसमें प्राप्त कर सकते हैं, इन तमाम विषयों पर जो हमारा तकनीकी सत्र होगा उसमें हमारे कुछ शोधार्थी, कुछ शिक्षार्थी और कुछ शिक्षक साथी जो है अपना पेपर प्रस्तुत करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि कुछ न कुछ मंथन निकलेगा और ज़रूर निष्कर्ष निकलेगा कि किस तरह से हिंदी पत्रकारिता को बेहतर बनाया जा सके। हिंदी पत्रकारिता दिवस उदंत मार्तंड एक पत्रिका पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी ने 30 मई 1826 में इसका प्रकाशन किया था, और इसी क्योंकि इस दिन जो है भारत में हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी, इसलिए 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के उपलक्ष्य में पूरे देश में मनाया जाता है। हिंदी पत्रकारिता का जो उद्देश्य था, आपने देखा होगा कि जितनी भी जो पत्रकारिता शुरू हुई भारत में या विश्व में, वो किसी जन आंदोलन को लेकर हुई या जन सरोकारों को लेकर हुई, समाज सुधार को लेकर हुई। वो पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी एक वकील थे जो कि कानपुर से थे और कोलकाता में वकालत करते थे, और जेम्स अगस्टस हिक्की ने जब 1780 में बंगाल गजट, कोलकाता गजट के नाम से भी जिसे जाना जाता था, उसका प्रकाशन शुरू किया था, जो कि बहुत कम समय में जो है वो बंद हो गया था आर्थिक स्थिति के कारण, और जो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके दमन के कारण जो है ये बंद हो गया था। इसी से प्रेरित पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी ने 30 मई 1826 को हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत की, और ये हिंदी पत्रकारिता की जहाँ शुरुआत हुई वहाँ हिंदी पत्रकारिता में एक क्रांति के रूप में जो है क्या हुआ, एक विकास हुआ, और वो हिंदी पत्रकारिता ने भारत की स्वाधीनता में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। स्वाधीनता में ही नहीं, स्वाधीनता के बाद भी हिंदी पत्रकारिता की बहुत बड़ी भूमिका रही। लेकिन आज वर्तमान की हम यदि बात करें, हिंदी पत्रकारिता पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी ने शुरू किया, उसके बाद राजा राममोहन राय जी ने बंगदूत जो है शुरू किया 1829 में, जिसका भी उद्देश्य क्या था, समाज सुधारना था, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि राजा राममोहन राय जी समाज सुधारक थे। तो कहने का मतलब ये है कि समाज में समाज सुधारने के लिए, सामाजिक सरोकारों के लिए, जन आंदोलन के लिए या किसी भी ऐसे तबके के विकास के लिए जागृत करने के लिए हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत की गई। उसके बाद आज और आज के बाद कर्मभूमि जो है हमारे माखनलाल चतुर्वेदी जी ने जबलपुर में शुरू किया था, जहाँ के कुलपति माननीय प्रोफेसर के जी सुरेश जी हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने क्या किया था, 1920 में जो है कर्मभूमि पत्रिका की जो है का प्रकाशन शुरू किया था, जिनके नाम से राज्य का ही नहीं पूरे एशिया का पहला पत्रकारिता विश्वविद्यालय माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय की स्थापना भोपाल में की गई। और ये हमारा सौभाग्य की बात है कि उस विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय प्रोफेसर के जी सुरेश जी आज हमारे बीच इस संगोष्ठी के मुख्य अतिथि हैं, तो ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी ने उदंत मार्तंड की जो का प्रकाशन प्रारंभ किया था, वो मंगलवार को ही प्रकाशित होता था, और आज मंगलवार को ये संगोष्ठी का आयोजन यहाँ पर किया गया, ये भी हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी को इसलिए याद किया जाता है, किसी भी समाज में जो किसी भी धारा का कोई शुरुआत करता है, क्रांति लाता है, उसको हमेशा याद किया जाता है। इसलिए याद किया जाता है कि जिन उद्देश्यों के लिए
उस व्यक्ति ने किसी काम को शुरू किया गया तो समाज पर समय समय पर समाज को याद दिलाया जाए कि हिंदी पत्रकारिता का उद्देश्य क्या था और हम को उसको कैसे आगे की पीढ़ी तक उसको ले जाना है। ये रही बात जो हमारा जो आज का विषय है कि विकसित भारत 2047 न्यू मीडिया और हिंदी पत्रकारिता की विशेष संदर्भ में। विकसित भारत 2047 का एक संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का और जो राष्ट्र के जो शीर्ष पदों पर बैठे हुए हमारे देश के शुभचिंतक है उनका। तो हम विकसित भारत 2047 के संकल्प को कैसा पूरा करें, उसमें पत्रकारिता कैसा रोल प्ले कर सकता है, पत्रकारिता की उपयोगिता उसमें कैसी हो सकती है, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे क्योंकि पत्रकारिता को एक लोकतंत्र में चौथा स्तंभ की उसको जो है दर्जा दिया गया है। चौथा स्तंभ है नहीं लेकिन उसको माना गया है, इसलिए माना गया है कि वो किसी भी समाज के लिए उसको समाज को आगे ले जाने के लिए समाज को एक दिशा देने के लिए उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो इसे देखते हुए विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने के लिए भी मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है और खासकर हिंदी पत्रकारिता इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है। दूसरा जो डिजिटल मीडिया और हिंदी की बात करें हम, तो डिजिटल मीडिया और हिंदी जहाँ न्यू मीडिया का कंसेप्ट आया, न्यू मीडिया प्रचलन में आया, जहाँ इंटरनेट और एंड्रॉयड फोन जहाँ दोनों जो है दोनों के संयुक्त रूप से जो एक नया न्यू मीडिया का जो कंसेप्ट हमारे सामने आया, उसमें हम ये आंकलन करेंगे, ये अध्ययन करेंगे कि कैसे उसको प्रासंगिक किया जाए, कैसे उसको जो है आज के समाज के हिसाब से उसको हम जो धरातल पर ला सकते हैं। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ क्योंकि प्रोफेसर के जी सुरेश जी जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, ये एक पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, हिंदी पत्रकारिता दिवस का उद्देश्य एक ये भी होना चाहिए कि जो हमारे पत्रकारिता के क्षेत्र में जो शिक्षार्थी अध्ययन कर रहे हैं वो हिंदी से विमुख होते जा रहे हैं। मैक्सिमम जितने भी देश में जितने भी गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर पत्रकारिता की पढ़ाई इंग्लिश में ज़्यादा हो रही है, हिंदी में नहीं हो रही है। और इसका हम देखते हैं जब हमारे यहाँ कोई मास्टर डिग्री करने के लिए शिक्षार्थी आते हैं किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, प्राइवेट इंस्टीट्यूट से 3-4-5 लाख रुपये खर्च करके ग्रेजुएशन करने के बाद वो मास्टर डिग्री में हमारे एडमिशन लेता है तो उसको हिंदी लिखनी नहीं आती है। वो कहता है सर क्या मैं इंग्लिश में अपना डिजर्टेशन तैयार कर सकता हूँ। तो ये बड़ी चिंता का विषय है क्योंकि भारत में यदि पत्रकारिता के क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त करके आपको अपना करियर बनाना है तो आपको हिंदी पत्रकारिता पर विशेष ध्यान देना होगा क्योंकि ये हिंदी भाषी देश है। मैक्सिमम यदि यह रोजगार की संभावनाएं हैं तो हिंदी में है, अंग्रेजी में नहीं है। और इसका कारण क्या होता है कि मैक्सिमम शिक्षार्थी जो हमारे युवा हैं वो क्या करते हैं पत्रकारिता में कोर्स डिग्री तो ले लेते हैं लेकिन रोजगार उनको प्राप्त नहीं होता है। कारण यही होता है क्योंकि हमारे पास विभिन्न जो पत्रकारिता के संस्थान हैं वहाँ से कई हमारे पास जो है डिमांड आती है कि आप जो है हमारे यहाँ किसी आपके शिक्षार्थी हैं उनको भेज दीजिए हमारे पास एक रिपोर्टर के पोस्ट। लेकिन वहाँ पर जहाँ पर हिंदी की बात आती है वहाँ पर जो है वो उसको वहाँ पर पीछे हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम लोगों को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए और मैं माननीय कुलपति जी के निर्देशन में ये भी चाहूँगा कि अगले साल हिंदी पत्रकारिता पर हम जो यहाँ पर एक डिप्लोमा शुरू करेंगे जिसका उद्देश्य सिर्फ ये होगा कि हिंदी पत्रकारिता में उसको नए टेक्नोलॉजी से जोड़ते हुए किस तरह से हमारे शिक्षार्थी जो हैं अपना कैरियर पत्रकारिता के क्षेत्र में बनाएं। यही उद्देश्य इस संगोष्ठी का होना चाहिए और यही उद्देश्य इस संगोष्ठी का है।